तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वस दौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के सीरीज का पहला वीडियो है और ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कठिन सफर था। तो केदारनाथ की यात्रा विनम्रता, शक्ति और त्याग का प्रतीक है, जिसमें श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धि और शिव जी के दर्शन के लिए करते हैं। यहाँ पे हम रुके हैं नाश्ता के लिए और भाई ये भाई खूबसूरत है यार, अलग है भाई अलग। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सोनप्रयाग और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए, जहाँ से हमें शटल सर्विस है। तो दोस्तों ये थी ब्रिज जिसको हमने क्रॉस किया और यहाँ पे मिलती है एक्स वाले जो जीप होते हैं वो है, और इसको पकड़ के हम पहुंचेंगे गौरीकुंड। दोस्तों फाइनली वी आर हियर इन गौरीकुंड और यहाँ से हमारा है अब 16 किलोमीटर का ट्रैक। तो थोड़ा सा ये हाथ लाल हो गए हैं क्योंकि ये डंडे पे लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। अलग लेवल जहाँ में भाई लोग, ये है बोर्ड, यहाँ से पैदल वाला ट्रैक स्टार्ट है, पहले उतर गए थोड़ा। गाइस मैं केदारनाथ का ट्रैक कर रहा हूँ गाइस, तो क्या मैं इंजॉय कर रहा हूँ गाइस? गाइस अभी तो मतलब मेन काइंड ऑफ रोड ही है, ये आराम से चलते हैं। और ये भैया करो, किसी को छोड़ के आए होंगे तो हाँ थक गए होंगे। करेक्ट। तो हमने केदारनाथ जी की यात्रा 10:30 बजे शुरू करा था और हमें शाम से पहले यात्रा को कंप्लीट करनी थी, वरना हमें कहीं बीच में रुकना पड़ता, जो कि हम नहीं चाहते थे। आधा घंटा हो गया और हम करीब 2 किलोमीटर चल चुके हैं। थोड़ा कठिन है लेकिन सह लेंगे, खजर बहुत है भाई इधर, लेकिन मैं सोच चलूंगा अगर आप आ रहे हैं, पैसा है हेलीकॉप्टर से, खज्जर से ना जाए भाई, खज्जर को फालतू परेशान करते हैं आप लोग यार भाई। हम करीब 3-3.5 किलोमीटर चढ़े हैं अभी और भाई साहब यहाँ क्या बेहतरीन व्यू है यार भाई, ये वाला खूबसूरत, और ये देखिए ये वाला तो क्या ही खूबसूरत व्यू है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बेसिकली यहाँ पे हिसाब क्या है कि खज्जर है और यहाँ पे जो बिट्टू वाले कंडी वाले लोग भी हैं, तो मतलब दोनों आइटम्स हैं, बट बेहतर है कि आप पैदल हैं और अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं तो बेहतर है कि आप हेलीकॉप्टर से। तो यहाँ जूता अच्छा पहन के आए भैया तो फिसल जाएंगे। 10 मिनट रुके हैं भैया, बहुत अच्छा एनर्जी आ गई एकदम बढ़िया वाला। अब भोलेनाथ का नाम लेके चलते हैं आगे। जय भोलेनाथ। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तो दोस्तों अराउंड 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं और थोड़ा चढ़ाव के बाद थोड़ा सा उतार था, ऐसा सुकून महसूस हो रहा था भाई, या तो अगर सपाट है तब, या अगर ढलाव है तब, भाई इतना अच्छा लग रहा है ना। चलते रहें धीरे धीरे बढ़ते रहें। ग्लूकोज फ्रूट्स ये सारे आइटम अगर लेके आओ, ये लेके चलो तो बेहतर है भाई। बनाना वो इंस्टेंट एनर्जी, बनाना सेव हो गया और ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो आप। ये सब रखने से फायदा ये कि आप कहीं भी रुक के थोड़ा बहुत खा लिया। तो अभी हो गए 12:15 और 10:15 में हम निकले थे, 2 घंटे, 2 घंटे में हमने अराउंड 6 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, क्योंकि धीरे धीरे बारिश की बूंदे हो रही है तो हम लोग को रेनकोट भी लेना पड़ेगा। भाई ग्लूकोन डी पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। रनिंग कैसा है, हाउ इज द जोश? अभी तो हाई बहुत है, अभी तो हाई है, इतना हाई है कि हम बैठ गए। मिरेकल मिरेकल गाइस, अगर हम केला खा रहे हैं और सामने झरना देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं तो गाइस क्या हम मजा कर रहे हैं? नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, लेकिन हाँ हम लोग के पास रेनकोट नहीं है, एक गलती हो गई है। तो आगे देखते हैं, अगर रेनकोट मिलता है तो बढ़िया है, अदरवाइज कहीं आगे जाके हमें रुकना पड़ेगा और थोड़ा सा फिर डिले होगा हमारे चढ़ान में। गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज फाइनली हमें मिल गया है रेनकोट, मतलब एक यूज एंड थ्रो वाला रेनकोट, 50 रुपए का है, यहाँ मिल गया। लेकिन आप अगर आ रहे हैं तो भैया लेके आइए, आप ये यूज एंड थ्रो है भैया, यूज करिए और फिर भैया इसको फेंक दीजिए। तो अब चलते हैं आगे और अब थोड़ा सा सही है, कम से कम हमारा बैग बच रहा है। तो ये है ट्रैकिंग और वो है पैरेलल ट्रैकिंग, वो भी ट्रैकिंग जाएगी केदारनाथ, ये भी जाएगी केदारनाथ, बट वो 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है यार, खूबसूरत भाई साहब। तो केदारनाथ जी की यात्रा आधी खत्म हो चुकी थी और हमारी केदारनाथ जी को देखने की चाहत दुगनी, तो हम थोड़ा थक चुके थे तो हम एक जगह रुके और हमने खाई मैगी और फिर केदारनाथ जी की यात्रा को आगे शुरू करा। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं, करीब 7 किलोमीटर चल गए हैं 3 घंटे में भाई साहब,
और अब हम खा रहे हैं भैया मैगी। थोड़ी थोड़ी सी लगी थी भूख, तो सोचे थोड़ा सा स्नैक्स हो जाए। पहाड़ में मैगी खा रहे हैं तो हम इंजॉय कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं हम इंजॉय। दोस्तों ये है मंदाकिनी रिवर और इसका बहाव बहुत तेज है, और ये जो ब्रिज है भाई साहब, इसमें लिखा है कि 25 लोगों से ज्यादा एक समय पर नहीं होना चाहिए। सच में भाई ये थोड़ा सा जर्जर है, तो ख्याल रख के आए। तो यहाँ धीरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है और थोड़ा बारिश कम हुआ है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं 50% ऑफ द केदारनाथ जी का जो पूरा ट्रैक है, within 3 and kind of 20 minutes। तो दोस्तों एक और जरूरी इंफॉर्मेशन कि जो दो ट्रैक जा रहे थे रामबाण से, तो दो ट्रैक था जिसमें हम छोटा वाला ट्रैक लिए, वो ज़्यादा ही ढलाव वाला है भाई। तो अगर आप आराम से जाना चाहते हो तो लंबा वाला ट्रैक पकड़ो, राइट साइड वाला, और अगर शॉर्टर पकड़ना है और आप ढलाव को सह सकते हो तो आप पकड़िए भैया, लंबा वाला पकड़िए, छोटा वाला पकड़िए, जो भी पकड़ना है पकड़िए भाई साहब ट्रैक, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं अराउंड 11 किलोमीटर फ्रॉम गौरीकुंड, और हमारा ये तीसरा केला। ये जो ट्रैकिंग है ना भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल, अलग लेवल है, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा यार। भगवान जी का मतलब भाई कहाँ मतलब बसे हैं भगवान यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनि आ सकते हैं। और हमारा भाई म्यूजिक भी सेट हो चुका है, अब आवाज आ रही होगी थोड़ा थोड़ा, तो कॉपी राइट ना है इसलिए हम इसको बताते हैं। तब तक के लिए आप बस आगे देखते रहे भैया, केले के साथ आपको और चीजें दिखेंगी। तो वो है रामबाण, और भाई वहां से हम आए भाई ऊपर, ये झरना, ये पहाड़, ये मौसम। तो केदारनाथ यात्रा में आपको थकान जरूर हो सकती है, मगर वहाँ की हरियाली, वहाँ के सफ़ेद बर्फ और वहाँ की ठंडी हवा आपको उस थकान का एहसास नहीं होने देंगी। तो ये देखिए भाई साहब पीछे कैलाश पर्वत। तो अब हम फाइनली ऑलमोस्ट लाइक 4 kilometers हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू केदारनाथ का टेम्पल। तो केदारनाथ जी से हम बहुत दूर नहीं है, अगर वो चाहेंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पहुँचने वाले हैं। धीरे धीरे सांस फूलने लगी थी, थकान थोड़ी जल्दी होने लगी थी, और सूरज बहुत तेजी से ढलने लगा था। हमें उम्मीद थी कि शायद हम शाम तक ना पहुंच पाए, लेकिन हमने भी केदारनाथ जी को याद किया और केदारनाथ जी की तरफ आगे बढ़ते गए। तो गाइस अभी बचा हुआ है 1 kilometer के अराउंड, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफी कम है, जिसकी वजह से हम ट्रैक का जो हमारा स्ट्रेच है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, 300 meters 200 meters। तो स्टार्टिंग में आप पेस ले सकते हो, बट लास्ट में थोड़ा सा स्लो अप हो गए बिकॉज अब थक भी जाते हो, एंड सेकेंड चीज़ कि ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज एक हाई एल्टीट्यूड पे हो आप। तो दोस्तों आपको इससे आपको आ रहा होगा भाप, बहुत ठंडा है, और सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और हम सच में बहुत थक चुके हैं, बिना एनर्जी ड्रिंक के यहाँ पे एनर्जी नहीं आएगी। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ टेंपल के पास। नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है day 2 इन केदारनाथ, और आज फिर से हम जा रहे हैं श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने। कैलाश पर्वत और श्री केदारनाथ जी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है कतार। तो जी अब आपको दिखाते हैं जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उस समय पे एक भीम पत्थर आ करके और पीछे लग गया था भाई, और वो भीम पत्थर जो है वो मतलब उस नदी के साथ ही आया था, और उसकी वजह से हमारा केदारनाथ मंदिर, वैसे कि भगवान की कृपा थी कि केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, बाकी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, पूरा एरिया पूरा फिर से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन बाकी केदारनाथ जी को कुछ भी नहीं हुआ, उनके मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। तो जी अब हम हैं केदार जी के पीछे, मंदिर के पीछे, और ये है भीम पत्थर, और ये है मंदिर का पीछे वाला भाग। तो ये पत्थर आपको दिखाते कैसा बड़ा है भाई, अब तो इस पत्थर को भी मतलब काइंड ऑफ पूजा जाता है, इस पत्थर ने सारा पानी काट दिया, सारा पानी काट दिया था दो तरफ, एंड यहाँ पे लोग अपना मकान लग रहा बनाते हैं भाई। आज हम लोग एक मकान बनाते हैं अपना, आ जाओ यहाँ एक मकान बनाते हैं अपनी। तो मेरा मकान जो है छोटा सा नन्हा सा मकान केदार जी के सामने लग चुकी है। और भाई साहब ये देखिए सीनिक व्यू भाई साहब, और ये हमारे भोले बाबा और इनका प्रसाद। तो अब हम लोग चलेंगे भैरव जी, जो कि यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है,
छोटा सा ट्रैक है ऊपर, तो चलते हैं और भैरव जी के दर्शन करते हैं। कल रात में आए, हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा था, मतलब लिटरली हमने 17-18 किलोमीटर चले हैं और आज सुबह एकदम लग ही नहीं रहा है कि हमने इतना ट्रैक किया है भाई, एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है। भोले बाबा ने एकदम रात में ऐसा हमें न्यूमोसिलाइड और पैरासिटामोल खिलाया ना। हम इन रूट हैं भैरव जी के मार्ग पे और ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई साहब। तो केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके थे और अब हम निकल चुके थे काल भैरव जी की चढ़ाई की तरफ। और कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, तो इसका प्रमाण मिला जब हम वो चढ़ाई कर रहे थे। और ये हमारे बनारसी बाबू मिल गया हमें, प्रिंस एकदम सेम एरिया से भाई। और हम पहुंच चुके हैं अपने भैरव जी के मंदिर के पास। तो फाइनली गाइस वी आर हियर, ये रहा काल भैरव जी का पूरा मंदिर। तो काल भैरव जी को केदारनाथ का क्षेत्रपाल भी माना जाता है और शीतकाल में जब यहाँ पूरा बर्फ हो जाता है तो काल भैरव ही इनकी सुरक्षा करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने भैरव जी का दर्शन कर लिया है एंड वी आर नॉट डन। एंड हियर देखिए भाई साहब, आप लोग ये देखिए भाई बर्फ, तो पानी जो है वो बर्फ हो गया भाई। हम काल भैरव जी के मंदिर के ऊपर आ गए हैं गाइस, ये देखिए गाइस हम अराउंड 250 मीटर्स चढ़े होंगे ऊपर। वो है हेलीपैड, जैसा कि आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी वहाँ है। बहुत बहुत खूबसूरत है भाई ऊपर के हिसाब तो, और बहुत खूबसूरत है। पहाड़ों में कुछ और बात है यार, और यहाँ के पहाड़ों में कुछ अलग ही बात है। कठिन थे पहाड़, थे झरने, थे बहुत मुश्किल थे रास्ते, मगर आया केदारनाथ जी मैं तेरे वास्ते। तो आप खुद को टाइम दिया इन पहाड़ों के बीच, सच बता रहा हूँ, मतलब इतनी अंदर से इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं अब लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। और केदारनाथ के दर्शन इतने अच्छे से अंदर बैठ करके हुए यार। भैया जी प्रसाद दे दीजिए। तो जी ये थे यहाँ भंडारा, था यहाँ प्रसाद कॉर्नर, प्रसाद भाई खा लो मस्त। दिक्कत क्या है कि हमने पहन लिया है सिर्फ एक टी शर्ट, इसके नीचे कुछ भी नहीं है गाइस। अभी हो रही है ठंड, गली में तो है, और ये देखिए ये गोवा वाली पूरी फील ले रहे हैं गाइस। और ये भाई लाइन यहाँ तक लगी हुई है यार, बहुत भयंकर लाइन है भाई, बहुत लंबी है भाई। इधर भी लाइन है। तो गाइस हम केदारनाथ से उतर रहे हैं, तो क्या हम एंजॉय कर रहे हैं गाइस? तो बेसिकली अगर आप चढ़ रहे हो तो अराउंड आप 8-10 घंटा मान के चलो, अगर आप बहुत सही चल लोगे तो 7 घंटे पहुंच सकते हो, बट 8-10 घंटा आपको लगेगा। और अगर आप उतरते हो, उतरने में आप 3.5 घंटे से लेकर के आप 6 घंटे तक मान लो, डिपेंड करता है आप कितनी बार रुकते हो और क्या करते हो। हम तो 4 घंटे में उतर गए और अराउंड हम 7.5 घंटे में चढ़ गए थे। बेसिकली अगर आप चाहें तो एक दिन में फ्रॉम गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक आप 24 बार कर सकते हैं सर, 24 बार। लेकिन आपको हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा भाई। कि नाथ जी मंजिल मिली है, कुछ ढूंढ रहा हूँ कि केदारनाथ जी मंजिल मिली है, कुछ ढूंढ रहा हूँ, आप समा जाओ मैं आंखें मूंद रहा हूँ। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा।